एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो रेड बटन दबा के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर माई लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। चलिए तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं हम मैंगो आइसक्रीम, वो भी बिना गैस जलाए, बिना कॉर्नफ्लोर और बिना कंडेंस मिल्क के। आपने मैंगो आइसक्रीम तो बहुत बार बनाई होगी, लेकिन ऐसी मैंगो आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बिना गैस जलाए आपने बहुत कम सुना होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये रेसिपी मैंगो आइसक्रीम की। जैसे कि समर्स चल रहे हैं और मैंगो का सीजन है, तो ये आइसक्रीम जरूर बनाने बनता है। और ये रेसिपी अगर आपने एक बार ट्राई की तो यकीन मानिए आप बाहर की आइसक्रीम बिल्कुल लेना बंद कर देंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक मीठा आम चाहिए हमें, राइप मैंगो यानी कि पका हुआ मीठा बहुत ही टेस्टी आम, और इस आम को हमें चॉप्ड करना है। और ये बहुत सारी वैरायटी के आम आते हैं, पर वो आप ना लें, आप अच्छा मीठा मैंगो लें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो और मैंगो होते हैं उनमें उतनी मिठास नहीं होती है। तो जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो है केसर मैंगो। अब जो मैंगो था उसको मैंने काट कर इसके पीसेस निकाल लिए, आप देख ही सकते हैं। मेरे पास जो ये मैंगो है ये थोड़ा बड़ा साइज का है। अगर आपके पास छोटे मैंगो हैं तो आप दो मैंगो लें और इसको छीलकर अच्छी तरीके से पील कर इसके पीसेस निकाल लें। और ये मैंगो हम डालेंगे अब आधे हमारे मिक्सर के जार में, और थोड़े से मैं बचा रही हूँ बाद में डालने के लिए, क्योंकि अभी जो मैं इसके साथ शुगर के साथ इसको पीसने वाली हूँ उसकी जो प्यूरी निकलेगी बस उसको थोड़ी देर के लिए हमें फ्रिज में रखना है। बाद में हमें गार्निशिंग के लिए और ऊपर टॉपिंग के लिए यूज़ आएगी उसको, तो वो जो आइसक्रीम होती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है फिर। तो इस रेसिपी को आप इस तरीके से ही बनाएं तो आपकी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी आपको। तो अब इसकी जो प्यूरी है वो मैंने निकाल ली है और उसको फ्रिज में रख दिया है 2 स्पून, और जो बाकी जो हमारा बचा हुआ इसमें जो बैटर था उसी में ही मैंने अपने चंक्स डाल दिए हैं मैंगो के। और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। आप अगर थोड़ा कम बना रहे हैं तो आप 1/4 कप की क्वांटिटी ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप डाला है मिल्क पाउडर, ये अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर है, मैंने नेस्ले का यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम, ये मेरी व्हिप्ड क्रीम है, घर पर रखी हुई व्हिप्ड क्रीम है ये, मतलब जो हमारा व्हिप्ड क्रीम का पाउडर आता है वो मेरे पास अवेलेबल था, क्योंकि क्रीम तो हर बार अवेलेबल नहीं हो सकती, पर जो व्हिप्ड क्रीम का पाउडर होता है और वो 3 इयर्स के लिए हमें मिल जाता है, तो मैंने उसको मार्केट से ऑनलाइन ख़रीदा था, तो आप ले सकते हैं उसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। और इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप ही दूध वाली मलाई वाला दूध, जो हमारा सिंपल जो हमारा जो दूध होता है उसमें ही जो मलाई आती है फ्रेश, उसके साथ ही मैंने इसमें 1/2 कप डाल दिया है। और इसको अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप सिंपल ये जो मलाई वाला दूध है बस वो भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर और, क्योंकि हम शुगर पहले भी डाल चुके हैं। तो टोटल हमें तीनों चीज़ें 1/2 कप लेना है, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप शुगर और 1/2 कप हमारा मलाई वाला दूध। तो बस इसको हम अच्छी तरीके से अब पीस लेंगे और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हमें मिल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हमें मिल गया है, बिना गैस जलाए बहुत ही स्मूथ बहुत ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी होती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और आज की अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए हमारी इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें मिल जाएगी बहुत ही क्रीमी। और सबसे अच्छी बात है कि इसको बाद में आपको हाफ निकाल कर बाद में ग्राइंड करने की फिर से ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। बस इसको 7 to 8 आवर्स के लिए फ्रीज़र में हमें रखना है और हमारी जो आइसक्रीम है वो तुरंत प्रॉम्प्ट बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैं इसको एक ब्रेड के टिन में जिसमें हम ब्रेड बनाते हैं और केक बनाते हैं उसमें जमा रही हूँ, आप सिंपल अपने किसी भी प्लास्टिक के या ग्लास के कंटेनर में जमा सकते हैं। तो मैं इसमें निकाल रही हूँ इसको, आप देख ही सकते हैं इसका टेक्स्चर, क्योंकि जब ये जमने के लिए रेडी होती है जब ही समझ में आ जाता है हमें कि ये कैसी बनेगी बाद में। तो इसको मैं थोड़ा सा टैप करती हूँ, इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर लगाकर आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और बहुत ही जल्दी बहुत ही फटाफट बन जाती है ये आइसक्रीम। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हम मैंने यहाँ पर अलग से निकाल के रखी थी प्यूरी शुगर और मैंगो की।
तो मैं बस थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो। बाद में इसको मैं थोड़े ड्राई फ्रूट से भी गार्निश करूँगी, जैसे कि आप पिस्ता, काजू, बादाम किसी से भी कर सकते हैं। मैं पिस्ता से करने वाली हूँ। तो मैं एक बार इसको भी ट्राई कर रही थी कि ये कैसी लगती है, तो बस यकीन मानिए कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बस मैं थोड़ा सा इसको डिज़ाइन बना रही हूँ जिससे ये ऊपर से थोड़ी सी सुंदर दिखे। तो अब हमारी जो आइसक्रीम है वो जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा इसको पैक करेंगे जिससे कि हमारे जो आइस क्रिस्टल बन जाते हैं आइसक्रीम में वो ना बने। तो सबसे अच्छा आइडिया है ये, बहुत ही अच्छी टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी आप आइसक्रीम जमाएं, अगर आपके पास ऊपर कुछ ऐसे आप बिल्कुल पैक करने के लिए ना हो तो आप सिंपल फॉइल पेपर से इसको पैक कर दीजिए और आपकी आइसक्रीम में बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी, बिल्कुल भी बर्फ के टुकड़े नहीं आएंगे और बिल्कुल क्रीमी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर रेडी हो जाएगी। तो अब मैंने इसको पैक कर दिया है, पूरे अच्छी तरीके से इसको पैक करेंगे जिससे कि बिल्कुल भी इसमें ईयर्स ना जाए और थोड़ी भी आइस ना जाए। तो इसको हम मैंने अच्छे से पैक कर दिया है और अब इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हो गए हैं हमारे 7 to 8 hours, मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था इसको। तो अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है और खाने में तो इतनी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे बच्चों को कि बस अब बार बार यही फरमाइश हो रही है कि ये आइसक्रीम बनाओ जल्दी जल्दी। तो बस ये देखिए, मैंने इसको साइड से थोड़ा सा कट कर रही हूँ जिससे कि मैं डायरेक्ट उसको पूरा निकाल सकूँ। देख सकते हैं आप कितनी क्रीमी बनी है। बस इसको यही है कि आप जब भी इसको निकालें तुरंत सर्व करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट होती है, बहुत ही क्रीमी है। तो अब इसके हम पीसेस निकाल लेंगे और मैं इसको गार्निश करने वाली हूँ बाद में कुछ ड्राई फ्रूट से, खासकर कि पिस्ता इसके ऊपर बहुत ही सुंदर दिखता है। तो मैं इसको पिस्ते से गार्निश करूँगी और आप अपने मनचाहे टॉपिंग कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये निकल गई है बहुत ही आसानी से। अब इसको हम कट करते हैं बहुत ही आराम से और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये कट होती है। ये देखिए बहुत ही यम्मी बनी है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए विथ माय रेसिपी। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है और इस सीजन में तो जरूर ट्राई कीजिए। आप इसको छोटे पीसेस में भी निकाल कर रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं इसके, और आप इसको बड़े बड़े पीसेस में भी कर सकते हैं डेकोरेट। तो मैंने दोनों तरीके से यहाँ पर डेकोरेट करके दिखाया आपको। तो मैंने यहाँ पर छोटे पीसेस में डाले हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मैं बड़े में भी डालने वाली हूँ। तो अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए ऐसे लोगों को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। If you like my recipe, please subscribe my channel and share with your family and friends. Thanks for watching.